नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू असाइलम फाइटोफार्मा डिटेल्ड प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन प्रोग्राम। वेलकम टू डिटेल्ड प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन प्रोग्राम। तो दोस्तों, आज मैं आपको असाइलम फाइटोफार्मा के चमत्कारिक और बेहतरीन प्रोडक्ट्स के बारे में एक ऐसी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं या देने जा रहा हूं, जिन जानकारी को लेकर के यकीनन जब आप किसी व्यक्ति के सामने बैठेंगे तो वह व्यक्ति आपके प्रोडक्ट को लिए बगैर नहीं रह सकेगा। तो दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं कंपनी का एक शानदार, और शानदार ही नहीं, ये कंपनी का सबसे पहला पेटेंट प्रोडक्ट है ईपीए डीएचए। ये कंपनी का सबसे पहला और शानदार प्रोडक्ट है ईपीए डीएचए। तो दोस्तों, यह एक ऐसा उत्पाद जिसके बारे में जानकारी देने के पहले मैं कुछ सामाजिक बातें आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जैसे इस प्रोडक्ट को लेने की जरूरत किसी व्यक्ति को क्यों है, सबसे पहली बात, अगर किसी व्यक्ति को यह पता ना हो यह वस्तु हमारे काम की है या नहीं है, तो वह व्यक्ति इस वस्तु को बिल्कुल भी नहीं लेगा। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज है कि आज हम लोअर क्लास और मिडिल क्लास फैमिली या अपर मिडिल क्लास फैमिली, ये जो भी कैटेगरी है, ये सभी कैटेगरी अपनी जिंदगी को भागदौड़ जिंदगी की तरह जीते हैं, यानी इनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना होता है। क्योंकि ये लोग रिच क्लास को देख करके उनके जैसे सपने को पूरा करने के प्रयास में लगे रहते हैं, और इसलिए ये लोग भागदौड़ भरी जिंदगी जीते हैं, जिसमें उन्हें शारीरिक परेशानी, मानसिक परेशानी, पारिवारिक परेशानी, इन सभी का सामना करना पड़ता है। और दोस्तों, यह बात किसी को नहीं पता है कि हम इन तीनों चीजों का बैलेंस कैसे करें। दोस्तों, ज्यादातर लोग खाने के नाम पर, अच्छा खाने के नाम पर वो टेस्टी फूड तो खाते हैं, लेकिन शायद उन्हें पता नहीं होता है कि जाने अनजाने वो अपनी जिंदगी में एक ऐसी समस्या पैदा कर रहे हैं कि जिसके लिए सारी जिंदगी में उन्होंने जो भी कमाई की है वो सारी कमाई अब खर्च होने वाली है। यकीनन 40-50 साल जो भी वो कमा कर रखते हैं, वो 50 साल के बाद जैसे जैसे आपके शरीर में बीमारियां, जैसे जैसे आपका शरीर बीमारियों का घर बनता जाता है, वो बचा हुआ पैसा आपके ही शरीर पर खर्च होना शुरू हो जाता है। यकीनन जिस लाइफ स्टाइल को आप जीने के लिए यहां पर आए थे इस दुनिया में, और यही लाइफ स्टाइल आपकी समस्या का कारण बन जाती है। तो दोस्तों, इस लाइफ स्टाइल भरे युग में ज्यादातर लोग टेस्टी फूड तो खाते हैं, बट हेल्दी फूड नहीं खाते हैं। और इसका, इनकी जरूरत क्यों है, क्योंकि आप जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस वर्क कर रहे हैं, आपके पास वर्क लोड ज्यादा है, आपके पास फैमिली लोड ज्यादा है, आपके पास सामाजिक लोड भी ज्यादा है। यकीनन इन सभी चीजों को देखते हुए आप के भोजन में एक कमी रह जाती है, और वो कमी ये होती है कि आपको ही नहीं पता कि हमें क्या खाने से क्या बेनिफिट होने वाला है। इसके परिणाम आपको जब देखने को मिलते हैं, जब आप या तो मानसिक तनाव से ग्रसित हो जाते हैं, जब आपको हार्ट अटैक की बीमारी आती है, जब आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, डॉक्टर कहता है कि अब आप ऐसी कोई चीज नहीं खाएंगे कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़े, ये जब आपको पता लगता है कि जब आपके घर में एक न्यू बॉर्न बेबी पैदा होता है, और पैदा होने के बाद आप उसे देखते हैं कि इसका मेंटल लेवल लो है, यानी आप कह सकते हैं कि मानसिक विकलांगता एक न्यूबॉर्न बेबी के अंदर आती है। तो दोस्तों, इन परिस्थितियों में, इन परिस्थितियों के कारण आप फिर एक परेशानी में पड़ जाते हैं। दोस्तों, यकीनन मेरा मानना है कि इन फ्यूचर आपकी जिंदगी में ऐसी परेशानी ना आए, इसलिए आपको यह जानने की जरूरत है कि जिस तरह आप अपना आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक बैलेंस को बनाने के लिए
सुबह से शाम तक भाग दौड़ करते जाते हैं, इसी तरह शारीरिक बैलेंस को बनाना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों इस शारीरिक बैलेंस में आपको किन किन फूड की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपके पास हर एक चीज ज्यादा मात्रा में है, वर्कलोड ज्यादा है, फैमिली लोड ज्यादा है, सोशल लोड ज्यादा है, जब ये सारे लोड आपने ज्यादा ले रखे हैं तो आप लो फूड खा करके क्या आप इन सब चीजों को कैसे मैनेज कर पाएंगे। तो आपको एक अच्छे भोजन की जरूरत है। अच्छा भोजन का मतलब टेस्टी फूड नहीं, अच्छा भोजन का मतलब वो कि जो आपकी बॉडी का रिक्वायरमेंट है, जो आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, ऐसे भोजन की आपको आवश्यकता है। तो दोस्तों ऐसा भोजन जैसे कि आज मैंने अभी पहले भी जिक्र किया कि लो मतलब है कोलेस्ट्रॉल हाई हो जा रहा है, हाइपरटेंशन हो जा रहा है, हाई ब्लड प्रेशर हो जा रहा है, जैसा कि मैंने अभी समस्याओं का जिक्र किया कि इन सभी समस्याओं अगर आपको ये पता नहीं है कि आपको क्या खाने से क्या फायदा हो सकता है, तो यकीनन दोस्तों वो सारी कमियां आपके शरीर में बनती रहेंगी और एक दिन वो बीमारी का रूप लेकर के आपके सामने आएंगे। तो दोस्तों मेरा मानना है कि अगर आप ये जान लें कि क्या खाने से क्या बेनिफिट हो सकता है, तो दोस्तों अगर मैं खाने की बात करूं तो जो लोग मछली खाते हैं उन्हें तो एक फायदा हो जाता है, बट जो वेजिटेरियन पर्सन है, मे बी वेजिटेरियन पर्सन शायद चावल तो खाता है लेकिन राइस ब्रान नहीं खाता है, क्योंकि साफ चावल खाना पसंद करते हैं, जबकि चावल के ऊपर जो एक पीली परत होती है उसके अंदर DHA होता है। इसके साथ ही अलसी का सेवन बहुत कम लोग करते हैं, फिर भी फिर से वापस जिक्र करूंगा कि भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग ऐसी चीजें नहीं खा पाते हैं, उन्हें सिर्फ पेट भरने से मतलब होता है और टेस्टी फूड खाने से मतलब होता है। तो यकीनन अगर मैं बात करूं कि कोई व्यक्ति अपने खाने पीने की दिनचर्या में अलसी सेवन करे या फिर राइस ब्रान का सेवन करे, ऐसा कई बीज होते हैं जिनमें हमारे को EPA DHA की मात्रा मिलती है, उनका सेवन करें, मछली का सेवन तो कुछ लोग करते भी हैं, बट वेजिटेरियन लोगों के साथ एक दिक्कत आता है कि वो लोग इन महंगी चीजों का सेवन शायद नहीं कर पाते हैं, या फिर यूं कह लें कि ये डेली फूड में नहीं आते। जैसे किसी व्यक्ति से बोला जाए कि आप अलसी का बीज खाइए तो वो पेट भरने की चीज नहीं है, इसलिए वो व्यक्ति उस पर ध्यान नहीं देता है कि अलसी का बीज क्यों खाएं। बट ऐसी तमाम चीजें हैं कि जिनको खाने से बहुत सारी बीमारियां आपके शरीर में दूर होनी है। तो दोस्तों अभी मैं जिस प्रोडक्ट की आज बात कर रहा हूं उसका नाम है EPA DHA। तो दोस्तों इसे क्यों खाना चाहिए, सबसे बड़ी बात है ना, क्यों खाना चाहिए। अभी तो मैंने कारण पर बात की कि अभी सामाजिक परिवेश क्या चल रहा है, बट क्यों खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए, इसके लिए अगर मैं बात करता हूं तो आज इन चीजों को ना खाने से बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में आ रही है, जैसे अल्जाइमर्स है ना, कोलेस्ट्रॉल का हाई हो जाना, हाई ब्लड प्रेशर होना, अल्जाइमर्स की शिकायत होना, न्यू बॉर्न जो बेबी पैदा हो रहे हैं अभ्रूण मतलब भ्रूण का भी विकास नहीं होता है, मतलब गर्भवती महिला के अंदर एक जो भ्रूण विकास होता है ना वो भी नहीं होता है। बहुत सारी महिलाओं और पुरुषों में देखा गया है कि उनमें बच्चे नहीं होते हैं। तो ये जेनेटिक समस्याओं को भी दूर करने में मतलब हेल्प करता है आपके लिए, है ना। तो आजकल देखा गया है कि बच्चों का स्मरण शक्ति और उनका कौशल शक्ति में बाकी बहुत कमी आ चुका है, इस कारण वो गलत रास्ते पर चल जाते हैं, उनमें सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है, है ना, उनमें ये कहा जाए कि डिसीजन पावर कम होता जा रहा है। तो ये सब ऐसे कारण है हमारे समाज के अंदर कि इस कारण का पता कोई नहीं लगा पा रहा है और ना कोई लगाना चाहता है ना। और जब जैसे जैसे उम्र बढ़ जाती है तो डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपके अंदर ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ गया है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है ना, आपके अंदर प्लेटलेट्स अनबैलेंस्ड हो गई हैं,
है ना। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो महिलाओं में ज्यादातर एक समस्या देखने को आता है कि उनके शरीर में सूजन हो जाती है। तो ये सभी ऐसे कारण हैं कि ये हार्मोन का इनबैलेंस, हार्मोन को बॉडी के अंदर हार्मोन का इनबैलेंस हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे कारण आपको दिखाई पड़ते समाज के अंदर। यकीनन दोस्तों आप इन कारण की वजह कुछ और बताते हो, लेकिन मेरा मानना है कि ऐसे जो भी कारण आपको दिखाई पड़ते हैं, हमारे समाज ने, हमारे परिवार ने उन खान पीन की चीजों को ध्यान नहीं दिया कि जिनको खाने से ऐसी प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, मेरा बच्चा बिगड़ गया है, सुनता ही नहीं है किसी बात को। तो यकीनन प्रॉब्लम बच्चे में नहीं है, प्रॉब्लम उस परिस्थिति में है कि शायद हम, हमारे को जानकारी नहीं थी कि गर्भवती महिला को क्या क्या खिलाना चाहिए जिससे उसका मानसिक विकास हो, उसके अंदर भ्रूण का एक अच्छा विकास हो। अगर ये जानकारी होती तो यकीनन उस बच्चे का दोष नहीं देते, उस समाज को हम दोष नहीं देते। तो आज जिस प्रोडक्ट की मैं बात करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है EPA एंड DHA, दोस्तों ऐसी ही सारी समस्याओं को दूर करने के लिए असाइलम फाइटो फार्मा ने एक शानदार प्रोडक्ट EPA DHA का निर्माण किया कि हमारे समाज में पहले मानसिक बीमारी तो दूर हो। अगर आप मेंटली लेवल पर सही हैं, आप पैसा भी कमा सकते हो और आप समाज को भी खुश रख सकते हो, और आप जो है कि मतलब सब कुछ पा सकते हो अपनी लाइफ के अंदर, जो भी कहा जाए। मेरा मानना है वैसे तीन चीज समाज मतलब जरूरी है कि शारीरिक रूप से स्वस्थ हो जो व्यक्ति, आर्थिक रूप से स्वस्थ हो जो व्यक्ति, सामाजिक रूप से स्वस्थ हो। मेरे ख्याल से ऐसा है, ये तीन चीजें लोग मानते हैं, लेकिन मेरा मानना इसमें है कि शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हो, आर्थिक रूप से भी स्वस्थ हो, सामाजिक रूप से भी स्वस्थ हो, लेकिन मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना जरूरी है। तो ये चार ऐसे कारण हैं कि जो जिनको आप परफेक्ट कर लेते हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो यकीनन आप अमीर व्यक्ति हैं। तो मित्रों, मेरा मानना है कि असाइलम फाइटोफार्मा के अंदर आ करके असाइलम ने सबसे पहली चीज ये दी कि आप सबसे पहले मेंटली फिट हो जाए। तो दोस्तों EPA DHA एक ऐसा कॉम्बिनेशन, अगर में से इकोसा पेंटोनिक एसिड EPA और दूसरा तत्व है डोकोसा हेक्सोनिक एसिड, ये दोनों तत्व मिला करके ये प्रोडक्ट बनाया गया। ये दोनों ही एक ऐसे घटक हैं कि जो इंसान की जिंदगी में बहुत बड़ा काम करते हैं। यकीनन आप अगर इसका सेवन मतलब अपनी लाइफ के अंदर लेना शुरू कर दें, आपकी पूरी फैमिली बेहतरीन हो सकती है। जैसे कि अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको ये दीजिए, तो उनका मानसिक स्तर बढ़ जाएगा, कौशल स्तर बढ़ जाएगा, सोचने समझने और डिसीजन पावर उनकी बढ़ जाएगी, है ना, समझने की क्षमता विकसित हो जाएगी। महिलाओं को अगर इसको देते हैं तो उनका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा, है ना। पुरुषों को अगर देते हैं तो उनका वर्कलोड के कारण जो स्ट्रेस लेवल होता है वो कम हो जाएगा, है ना। और बहुत सारी चीजें, जैसा अगर आपके अंदर कोई बीमारी नहीं है तो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को पहले से ही बैलेंस करके रखेगा, और आपकी ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम जो भी है उस सिस्टम को पहले से क्लीन करके रखेगा। यह आपका जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, यानी कि जो आपके शरीर के अंदर वेन्स हैं, नलियां हैं, इन सभी नलियों को ये ओपन करके पहले से रखेगा। तो यकीनन जब आपकी सारी नलियां साफ सुथरी, जैसे कि आपके घर में नालियां होती हैं और वो साफ सुथरी रहें, तो उनके अंदर पानी का बहाव आराम से होता रहेगा और उसमें कोई बदबू नहीं आएगी, उसमें कोई कीड़े कीड़े मकोड़ों का जन्म नहीं होगा। उसी तरह से अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो आपके बॉडी के अंदर जितनी भी ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, जो भी नसें हैं जहां पर ब्लड सर्कुलेट होता है, वो सभी साफ सुथरी रहेंगी, वो नलियां साफ रहेंगी, और जब हमारे शरीर के सभी पार्ट्स में खून का संचार पूरी अच्छे तरीके से होगा, तो आप समझ सकते हैं कि अगर खून संचार अच्छे तरीके से हो रहा है तो बॉडी के अंदर कोई दिक्कत पैदा होने वाली नहीं है। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि हार्ट को ये मजबूती प्रदान करता है, यानी आपके हृदय को ये स्ट्रांग बना करके रखता है। अब आप देखा जाए तो इस बॉडी के अंदर सबसे मेन पार्ट क्या है, हर व्यक्ति का अपना अपना विचार होगा, लेकिन जब व्यक्ति कोई मर जाता है तो सबसे पहले आप क्या चेक कर रहे हो, इसकी धड़कन चल रही है कि नहीं, इसकी सांसें चल रही है कि नहीं। तो यकीनन दोस्तों वो धड़कन क्यों चेक करते हैं, इसका मतलब है कि हार्ट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अपने हार्ट को अभी से मजबूत बना लीजिए, और आप लंबे समय तक जिंदा रहना चाहते हो तो इसका सेवन आपकी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट है, लंबे समय तक। तो
तो दोस्तों ये जो आपका काम किया ना, इसने ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को साफ कर दिया। अगर आप इसको लेते हैं मेंटल लेवल, यानी कि आपका जब ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम सही हुआ तो इसमें कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आपके ब्रेन की खुराक को दे, मतलब हम अपना पेट भरने वाली खुराक ले लेते हैं, जीभ को टेस्ट लेने वाली खुराक लेते हैं, लेकिन ब्रेन के लिए स्पेशल फूड की जरूरत होती है, वो फूड इसके अंदर है। तो दोस्तों अगर आप इस ईपीए डीएचए का सेवन करते हैं तो अभी तक शायद गलती से आप ऐसे भोजन को नहीं कर पा रहे थे जो आपके ब्रेन के लिए जरूरी थी। अच्छा, ब्रेन मेरे नजर में इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जैसे कि आपने एक कई करोड़ रुपए की गाड़ी खरीद ली, आपने मर्सिडीज खरीद ली ना, आपने जैगवार खरीद ली, आपने गाड़ी तो मान के चलो 5 करोड़ रुपए की खरीद ली, बट आप जब ड्राइवर सेलेक्ट करने गए तो आपने सोचा कि 2000 रुपए वाला ड्राइवर मिल जाए, या आप सोचो कि नहीं यहाँ पर 5-6 हजार रुपए या 10 हजार वाला ड्राइवर मिल जाए, तो यकीन मानिए आपने गाड़ी कई करोड़ रुपए की खरीदी, 5 करोड़ रुपए की खरीदी, और आपने कंजूसी कहा कि उसका ड्राइवर अच्छा नहीं रखा, तो क्या होगा, वो अनट्रेंड ड्राइवर क्या करेगा, एक दिन आपकी गाड़ी को ले जाकर कहीं लड़ा देगा, और वो 5 करोड़ की गाड़ी में अगर जरा सा भी एक्सपेंस डैमेज होगा तो वो लाखों में एक्सपेंस होगा उसका। तो यकीनन मेरा मानना है कि आपके पूरी जिंदगी के गाड़ी का और आपके शरीर का जो ड्राइवर है वो आपका ब्रेन है, और इस ब्रेन को अगर आप ठीक रख लेते हैं, तो आपकी जिंदगी रूपी गाड़ी बहुत अच्छी चलने वाली है। तो दोस्तों क्या आप अपने ब्रेन को ठीक रखना चाहेंगे? क्या आप अपनी आने वाली पीढ़ी को ठीक रखना चाहेंगे? क्या आप अपने परिवार के अंदर सभी महिलाओं को स्वस्थ रखना चाहेंगे, स्ट्रेस फ्री रखना चाहेंगे? अगर इन सवालों का जवाब हां है तो दोस्तों बिल्कुल भी देर ना करें असाइलम फाइटोफार्मा से इस प्रोडक्ट का ऑर्डर करने के लिए। तो डिसीजन आपके हाथ में है, इसे इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नए प्रोडक्ट के साथ।